पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के अंदर पांच प्रकार के कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण। मैं अपनी आज की वीडियो में आपको बस्ती के बारे में विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। बस्ती क्या होती है? बस्ती में बेसिकली जो औषधियाँ होती हैं वो आपके शरीर के गुदा मार्ग से पेट में डाला जाता है और फिर वह गुदा मार्ग से ही बाहर आ जाता है। बेसिकली जो वात रोग होता है उसमें बस्ती को प्रधान माना जाता है, यानी बस्ती कर्म से आपके सभी प्रकार के वात रोग दूर हो जाते हैं। आचार्य चरक जी के अनुसार बस्ती कर्म को बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है, क्योंकि वात रोग जितने भी प्रकार के हों लेकिन वो बस्ती चिकित्सा कर्म से दूर हो जाते हैं। बस्ती प्रक्रिया में आपके आंतों में जो भी मल संचित होता है वह बाहर निकल जाता है और आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। बस्ती किन किन रोगों में दिया जा सकता है? बेसिकली बस्ती वात रोगों में दिया जाता है। किसी को जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, गठिया या अर्थराइटिस की समस्या है, तो उसे बस्ती दी जाती है। मैं सबसे पहले अगर बात करूँ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की, तो अगर जिसको कब्ज की समस्या होती है तो उसका पूरा दिन बहुत ही खराब जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उसका पेट साफ नहीं होता, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट और पेट फूलना, पेट भारी लगना ऐसे लक्षणों के साथ जाता है, जिसकी वजह से उसका दिन अच्छा नहीं जाता। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उनके लिए बस्ती रामबाण का काम करती है। इसके बाद महिलाओं में वात रोग की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हैं और जिसकी वजह से वो अपने खान पान पर उतना ध्यान नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं, जैसे कि गठिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द या फिर PCOD। इन सारी समस्याओं का एक इलाज है बस्ती। इसके बाद किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम है या फिर हेयर की प्रॉब्लम है तो ऐसे रोगों में भी बस्ती बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसे अगर किसी को सोरियासिस की समस्या है तो वमन और विरेचन के साथ बस्ती भी देने से सोरियासिस की समस्या दूर हो जाती है। अगर किसी को हेयर फॉल होता है और वो कंटिन्यूसली हो रहा है और वो हर प्रकार की मेडिसिन, ऑयल सब कुछ लगाकर या खाकर थक चुके हैं तो बस्ती वो करवा सकते हैं, इससे उनके बालों की समस्या भी दूर होती है। अगर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने, पिगमेंटेशन ऐसी समस्या है तो बस्ती करवाने से उनके शरीर का शुद्धिकरण होता है और उनके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। इसके बाद जो महिलाएँ कंसीव करना चाहती हैं या फिर वो महिलाएं जिनको किसी प्रकार की भी समस्या है जैसे PCOD, इनफर्टिलिटी, तो उन महिलाओं के लिए भी बस्ती अच्छा कार्य करती है। आजकल हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते और लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो हमारा बेबी होता है कई बार वो अनहेल्दी होता है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप दोनों अगर बस्ती कराते हैं तो आपका बेबी हेल्दी होगा। अब हम बात करेंगे कि बस्ती कितने प्रकार की होती है और कौन से रोगों में कौन सी बस्ती दी जाती है। कौन से रोग में कौन सी बस्ती दी जाती है ये तो आपके डॉक्टर निर्धारित करते हैं। बेसिकली बस्ती बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन मैं बेसिक आपको बताती हूँ कि बस्ती कितने टाइप की होती है। मुख्यतः बस्ती दो प्रकार की होती है, निरु या आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। निरु बस्ती में आपके गुदा मार्ग के द्वारा आपकी बॉडी में काढ़ा डाला जाता है, यानी हर्ब से बना हुआ या फिर मेडिकेशन से बना हुआ जो काढ़ा तैयार किया जाता है वो आपके गुदा मार्ग से शरीर में डाला जाता है और फिर वो 15 मिनट के बाद आपके शरीर से बाहर आ जाता है। इसे आस्थापन बस्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपके उम्र को बढ़ाती है। अब हम बात करेंगे अनुवासन बस्ती की। अनुवासन बस्ती में आपके शरीर के अंदर तेल या घी डाला जाता है जो कि आपके बॉडी में कुछ समय तक रहता है और फिर वो बाहर निकलता है। इसके बाद एक बस्ती होती है उत्तर बस्ती, जो कि बेसिकली महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर पुरुषों के लिए। पुरुषों में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो पुरुषों के लिए उत्तर बस्ती की जाती है, और अगर महिलाओं में इनफर्टिलिटी की, PCOD की समस्या है तो उनके लिए प्रयोग की जाती है। इसके अलावा लेखन बस्ती होती है जो कि मोटापे को दूर करने के लिए की जाती है। इसके साथ ही साथ जैसे अगर किसी को कमर दर्द की समस्या है तो कटी बस्ती, अगर किसी को घुटने की दर्द की समस्या है तो जानी बस्ती, तो इस प्रकार बस्ती आपके बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है
अगर आपको किसी भी प्रकार की वात संबंधित समस्या है तो आप बस्ती करवा सकते हैं। अब बस्ती कराने में कितना समय लगता है? 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। एक रोगी तो कभी भी करवा सकता है, परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर बस्ती करवाना है तो वर्षा ऋतु उनके लिए उत्तम मानी जाती है। वर्षा ऋतु में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपनी बस्ती करा सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं आयुर्वेद से जुड़े अगर कोई भी जानकारी लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उस जानकारी को सुन सकें। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वात से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बस्ती करवा सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।